क्या इस ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट से सच में टैक्स की चोरी खत्म होने वाली है? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्कैन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे, और आप देख रहे हैं स्कैन न्यूज। ट्यूसडे 11 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया प्लेटफॉर्म, नया ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म ऑनरिंग द ऑनेस्ट के नाम से लॉन्च किया है, जिसका कि मेन एम देश के जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनको ऑनर करना है। इस नए प्लेटफॉर्म का मेन एम जो है वो इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लेकर आना है और जो टैक्स पेयर्स हैं उनको एम्पावर करना है। ये होगा कैसे? तो इस प्लेटफॉर्म की तीन मेन फीचर्स की मदद से ये कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें कि फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर इंक्लूडेड है। तो इन तीनों के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। फेसलेस असेसमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? फेसलेस यानी कि बिना चेहरे का। तो जैसा कि इसका नाम है ठीक एग्जैक्टली उसी तरह इसका काम भी यही है कि जो मेन एम है इस फेसलेस असेसमेंट का वो ये है कि टैक्स पेयर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है उसको ख़त्म करना। यानी कि कौन डिपार्टमेंट में कौन आपको असेस कर रहा है ये आपको पता नहीं चलेगा, ना ही आपका असेसमेंट कौन ऑफिसर कर रहा है ये पता चलेगा। तो लेकिन ये पॉसिबल होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। इस प्लेटफॉर्म के आने के बाद अब टैक्स पेयर्स को जो है वो टैक्स इनकम टैक्स ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। अब बात कर लेते हैं फेसलेस अपील की। तो फेसलेस अपील के तहत जो है आप अगर कुछ अपील उठाते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड, अगर कोई अपील डालते हैं तो पहले क्या था, टेरिटरी डिसाइडेड होती थी कि जैसे अगर कोई दिल्ली का है, वासिंदा दिल्ली का रहने वाला है, तो अगर वो कोई अपील डालेगा तो दिल्ली के इनकम टैक्स ऑफिस जो दिल्ली का एरिया है वहाँ के जो ऑफिसर्स होंगे उनमें से किसी एक को अलॉट किया जाएगा। ये बात पता होती थी कि आपका अपील किस ऑफिसर के पास जाने वाला है। लेकिन फेसलेस अपील के बाद अब ऐसा नहीं होगा। आप अगर कहीं भी रह रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर में भी रह रहे हैं, तो आपका अपील जो आपने डाला है वो हो सकता है कन्याकुमारी के किसी इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाए, ये आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। यानी कि इंडिया के किसी भी कोने से कोई भी अपील अगर डालता है तो इंडिया के किसी भी दूसरे कोने में काम कर रहे किसी भी इनकम टैक्स ऑफिसर के पास वो अपील जा सकती है। वो अपील किसके पास जा रही है ये किसी को नहीं पता चलेगा, और उस अपील का फाइनल डिसीजन कौन ऑफिसर ले रहा है ये कभी भी रिवील नहीं किया जाएगा। इसलिए इस मेन फीचर का जो नाम है वो है फेसलेस अपील, यानी कि इसमें भी किस फेस का यूज हो रहा है आपको पता नहीं चलेगा। और अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी मेन फीचर के बारे में, जो कि टैक्स पेयर चार्टर। तो टैक्स पेयर चार्टर जो है वो एक नए सेट ऑफ रूल्स, या आप कह सकते हैं सेट ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो टैक्स पेयर्स के हैं और जो इनकम टैक्स ऑफिस के हैं, दोनों के लिए ही गाइडलाइंस जो है इस इनकम टैक्स टैक्स पेयर्स चार्टर में एम्बेडेड होंगी, इनमें मेंशनड होगी। अब इन सभी में से फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर जो है वो लॉन्च के इस अनाउंसमेंट के समय ही लॉन्च में इफेक्ट में आ चुका है, यानी कि 11 अगस्त 2020 से ही ये इफेक्ट में है। जबकि फेसलेस अपील का जो सिस्टम है वो 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बर्थ एनिवर्सरी के दिन से इफेक्ट में आएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या इस नए प्लेटफॉर्म से, इस नए ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म से इंडिया में जो टैक्स की चोरी हो रही है वो रुक पाएगी? कमेंट में जरूर लिख करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। जहां एक ओर कोविड-19 की वजह से पूरे देश की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ चुकी है, कहीं कहीं तो पूरी तरह थम चुकी है, खास करके रूरल इंडिया का जो डेवलपमेंट का काम था वो तो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में रुका हुआ है इस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, पूरे देश में फैले हुए लॉकडाउन की वजह से। लेकिन वहीं महाराष्ट्र के पुणे में ये काम जो है PURA, प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरियाज, ये पूरा के तहत जो है पुणे के रूरल एरियाज में काम
बिल्कुल नहीं रुका है और चलता रहा है। तो ये PURA क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लें। तो ये जो प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरियाज, ये PURA एक स्कीम है जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्रेजेंट किया गया था जनवरी 2004 के नेशनल साइंस कांग्रेस, 90th नेशनल साइंस कांग्रेस के दौरान। उन्होंने इस PURA स्कीम का मेंशन अपनी किताब टारगेट 3 बिलियन में भी किया है। तो ये एक स्कीम है जिसके तहत रूरल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया है। इसके कुछ मेन एम्स हैं, कुछ मेन गोल हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। सबसे पहला एम जो है इस प्रोजेक्ट का, इस स्कीम का, वो ये है कि जो हाई कॉस्टिंग अर्बन अमेनिटीज़ हैं उनको रूरल एरियाज तक पहुँचाना है। सारे नए टेक्नोलॉजीज, जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जो काफ़ी महंगे हैं, उनको इंडिया के रूरल हिस्सों तक भी पहुँचाना है। दूसरे मेन गोल की अगर बात करें तो इस प्रोजेक्ट के तहत, स्कीम के तहत जो है, कई सारे विलेजेस को जो 30 किलोमीटर के रेडियस में आ रहे हैं, उन सभी विलेजेस को एक रिंग रोड के द्वारा कनेक्ट करना है आपस में, ताकि एक फ्रिक्वेंट बस सर्विस जो है वो इस पूरे 30 किलोमीटर के एरिया में आने वाले सभी विलेजेस में बस सर्विस जो है वो काफ़ी आसानी से अवेलेबल हो, और ताकि ये सारे विलेजेस एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए, एक मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट कर पाए। इससे वो सारे विलेज मिल करके जो है एक वर्चुअल सिटी बन जाएंगे और 3 से 5 लाख तक के लोगों को एकोमोडेट कर पाएंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो रूरल डेवलपमेंट है उसको CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इंक्लूड करने की बात रखी गई है। तो इसीलिए ये जो PURA की जो प्रायरिटीज़ है ये पूरी तरह से रूरल इंडिया पर फोकस्ड है, क्योंकि हमारे देश की जो 3/4 से भी लगभग ज़्यादा पॉपुलेशन है वो गाँव में रहती है, रूरल इंडिया में रहती है। तो इसलिए अगर हम इन्हें इग्नोर करते हैं तो हम कभी भी एक डेवलप नेशन नहीं बन पाएंगे। तो PURA का जो प्राइमरी गोल है, फोकस है, वो रूरल इंडिया का डेवलपमेंट है। 4,000 से भी ज़्यादा नीट एस्पिरेंट्स के पेरेंट्स द्वारा फाइल किए गए एक पिटीशन के जवाब में NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट, जो कि मेडिकल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एंट्री के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, इसे ऑनलाइन नहीं कराया जा सकता है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि बाहर दूसरे देशों में रह रहे हैं। ये NTA के बारे में हमने पहले भी थोड़ी बातें की, एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि NTA क्या है, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था और इसका काम क्या है। तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने नवंबर 2017 में NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को मंजूरी दी थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का मेन काम जो है वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन में एंट्रेंस के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाना है, जैसे कि नीट, JEE, CTET, GATE, UGC NET वगैरह वगैरह। ये इस एजेंसी को एक सोसाइटी की तरह रजिस्टर किया गया है अकॉर्डिंग टू दी इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860, और ये एक ऑटोनॉमस सेल्फ सस्टेंड टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। NTA के जो प्रमुख हैं, जो कार्यकर्ता हैं NTA के होते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा चुने जाते हैं और वो एक एमिनेंट एजुकेशन प्रोफेशनलिस्ट होते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अगले खबर की ओर। थर्सडे 13 अगस्त 2020 को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक वर्चुअल लॉन्चिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी नेवी ने काफ़ी सारे वॉरशिप्स का इंडिजिनाइजेशन कर लिया है और अब उन्हें एमिनेशन पर ध्यान देना चाहिए। ये NIIO या नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इस बारे में हम आपको बता देते हैं। तो ये एक 3-tier ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले टीयर की बात करें तो NTAC या नेवल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन काउंसिल। तो NTAC का काम होगा दोनों ही चीज़ जो हैं, यानी कि इनोवेशन और इंडिजिनाइजेशन, इसको एक साथ लाना और डायरेक्टिव्स प्रेजेंट करना। इसके बाद सेकेंड टीयर में एक वर्किंग ग्रुप आएगा जो NTAC के अंदर में काम करेगा और इन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करेगा। और उसके बाद तीसरे टीयर में एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल का गठन होगा।
इसका काम होगा मेनली इंडक्ट करना, ये जो इमर्जिंग डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजीज होंगी उनको एक एक्सेलरेटेड टाइम फ्रेम में इंडक्ट करना। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होने वाला है। जैसा कि हमने आपको पहले के वीडियो में बता रखा है कि इंडिया का पहला इंडिजिनस वॉरशिप जो है वो जल्द ही इंडक्ट होने वाला है। तो अब समय है कि उस वॉरशिप के लिए प्रॉपर एम्यूनेशन और प्रॉपर जो हमारे पास मिलिट्री वेपनरीज होनी चाहिए उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो इसी के साथ हम हमारा आज का ये न्यूज़ यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन फिकर नॉट, हम आपके लिए इसी तरह रोज़ नए नए न्यूज़ लेकर आते रहेंगे। तो आपको हमें अपना पूरा सपोर्ट एक्सटेंड करना है और हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।